हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक ये देखें फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इस प्लांट को लोरो पेटालम भी कहते हैं फ्रेंड्स। ये देखें फ्रेंड्स, ये देखें फ्रेंड्स, ये देखें फ्रेंड्स, ये प्लांट लोरो पेटालम प्लांट भी है फ्रेंड्स। और इस प्लांट को लाल झाड़ी भी कहते हैं, लाल बादशाह भी कहते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये प्लांट एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत कमाल का पौधा है फ्रेंड्स। ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक छोटे से गमले में लगा हुआ है फ्रेंड्स, और इसकी ग्रोथ आप चेक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये इसकी ग्रोथ का यही राज है फ्रेंड्स कि ये प्लांट जो है वो ग्रोथ इतनी आला करता है फ्रेंड्स। इस वजह से फ्रेंड्स, ये प्लांट एक बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है फ्रेंड्स। कटिंग से भी बहुत अच्छे से चल जाता है फ्रेंड्स। अगर आप इसको ज़मीन से भी निकाल के लगाना चाहें तब भी ये लग जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, दो दफ़ा मैं इसकी जो है वो रिपोर्टिंग कर चुका हूँ, और मैंने इसकी बहुत सारी कटिंग्स भी लगाई हैं। ये आपको दिख रही होंगी फ्रेंड्स, ये सारी इस पौधे की कटिंग्स हैं फ्रेंड्स, जिससे मैंने उतार उतार के इतनी सारी कटिंग्स लगाई हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये प्लांट जो है वो कोई ड्राउट रेजिस्टेंस प्लांट नहीं है, यानी कि इस प्लांट को ज़्यादा पानी चाहिए होता है फ्रेंड्स। कम पानी देंगे तो इसके पत्ते झुक जाएंगे फ्रेंड्स। बिल्कुल ये देखें, इस तरह से इसके पत्ते बिल्कुल झुक जाएंगे, ऐसे इस तरह ये प्लांट मर गया। लेकिन जब आप बाद में इसको पानी देंगे तो तब जो है वो इसके पत्ते दोबारा खड़े हो जाएंगे। ये देखें फ्रेंड्स, इस प्लांट ये एक शरबी प्लांट भी है। आप इसकी जो है वो देखें फ्रेंड्स, कितनी लंबी इसकी बेल जा रही है। आप इसको एज अ बेल भी लेके जा सकते हैं। ये देखें, इससे ही मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट एक बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है फ्रेंड्स, ख़ास तौर पर बिगनर्स के लिए। ये इसके फ्लावर्स हैं फ्रेंड्स, ये देखें इस तरह के फ्लावर्स हैं। तो फ्लावर जिसके कि कोई ब्यूटी नहीं होती, लेकिन मेरे ख्याल में सर्दियों का ये पौधा है, क्योंकि फ्लावर्स भी ये सर्दियों में ही दे रहा है, और इतनी इतनी लंबी लेंथी ग्रोथ भी ये प्लांट सर्दियों में ही करता है। तो फ्रेंड्स, ये सर्दियों का भी पौधा है और गर्मियों का भी पौधा है, यानी ये फोर सीजन प्लांट है फ्रेंड्स। ये प्लांट बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है फ्रेंड्स, यानी ये प्लांट को कोई ज़्यादा खाद तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए फ्रेंड्स इस प्लांट को। और इस प्लांट की कटिंग्स भी बहुत ईजीली लग जाती हैं फ्रेंड्स। आप जो है वो करीबन जो है वो कोई जितनी मर्जी आप कटिंग इसकी इतनी ले लीजिए, इतनी ले लीजिए, या इससे भी बड़ी ले लीजिए फ्रेंड्स, जो इसकी कटिंग भी आराम से ग्रो हो जाएगी फ्रेंड्स। या इतनी छोटी सी कटिंग ले लीजिए, या इससे भी छोटी कटिंग ले लीजिए फ्रेंड्स, इतनी कटिंग ले लीजिए। लेकिन उसका ये है कि फिर नोड होना चाहिए, जिस तरह से ये नोड एरिया है वो करीब कटिंग का, तो फिर कटिंग ग्रो करेगी। अदरवाइज फ्रेंड्स, कोई भी कटिंग ग्रो नहीं करती, यानी जिस मर्जी हार्डी प्लांट की कटिंग हो, ये इसके पत्ते अब आपको नज़र आ रहे होंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये प्लांट बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, और दरअसल ये ग्रीनरी के अंदर जो है वो ज़बरदस्त होने के लिए ये प्लांट लगाया जाता है। मीन्स के ये अब देखें कितना खूबसूरत लुक दे रहा है फ्रेंड्स, के ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो है वो मैंने जो है पर्पल प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट, ये गमला अब इसके लिए छोटा पड़ गया, ये देख सकते हैं। तो मैं अब इसको इस गमले से निकाल के ये बाल्टी के अंदर शिफ्ट करने लगा हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप भी देखिए कि मैं किस तरह से इस प्लांट को बाल्टी के अंदर शिफ्ट करता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये पहले इसकी केयर की चले बात कर लेते हैं थोड़ी और। फ्रेंड्स, ये प्लांट को कोई फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती फ्रेंड्स। ये प्लांट जो है आई थिंक फ्री ऑफ पोल प्लांट है फ्रेंड्स, यानी फ्री प्लांट है। ग्रोथ भी ये बहुत आला करता है फ्रेंड्स, यानी कमाल ग्रोथ होती है इस प्लांट की। इस वजह से मैं इसको बाल्टी में लगाने लगा हूँ, क्योंकि बाल्टी के अंदर चले मिट्टी इसको ज़्यादा मिल जाएगी, सॉइल ज़्यादा मिलेगी, तो ये प्लांट वेल ग्रोथ करेगा फ्रेंड्स। आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ ये प्लांट करेगा फ्रेंड्स। तो चलिए, मेरे बिना टाइम वेस्ट किए फ्रेंड्स लग जाते हैं अपने काम पर फ्रेंड्स। तो चलिए, इस प्लांट का अब रूट बॉल निकालना आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको आप इस तरह से उल्टा लीजिए फ्रेंड्स। अब ये देखें इसके गमले के इधर कितनी काई जमी हुई है फ्रेंड्स, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट गमला है। तो ऐसे गमलों में कभी भी आप प्लांट ना लगाएं, लेकिन ये चूँकि हार्डी प्लांट था तो ये सर्वाइव कर गया, और कोई प्लांट होता तो वो मर जाता। अब सीधा सीधा हमने हैमर एक्शन करना है फ्रेंड्स। एक्चुअल में ठंड बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स, जिसकी वजह से जो है वो बोलना मुश्किल हो रहा है। वेल, गर्मी हो या सर्दी हो फ्रेंड्स, गार्डनिंग तो जारी रहती है। ये देखें फ्रेंड्स, अब ये निकलना स्टार्ट हो गया। वैसे फ्रेंड्स, मैं एक सिंपल भी कर सकता हूँ फ्रेंड्स।
और फ्रेंड्स ये प्लांट जो है वो हैच बनाने के लिए भी यूज होता है। ये देखें कितना बड़ा पौधा फ्रेंड्स, हैच का बताना है भूल गया फ्रेंड्स, ये प्लांट जो है वो हैच के लिए भी यूज होता है फ्रेंड्स, मीन इसके बाड़ बना सकते हैं आप इस प्लांट से। चलिए अब इसका गमला मैं बाहर निकालता हूँ तो फिर आपसे शेयर करता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आखिरकार बहुत 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 मुश्किल से ये प्लांट निकला है। अब ये प्लांट की कंडीशन आप देख सकते हैं, क्योंकि सर्दियाँ तो इस प्लांट को वैसे भी हवा तो लगती नहीं है, लेकिन सर्दियों में मज़ीद हवा नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, ये और कोई प्लांट हो तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता इस चीज़ में फ्रेंड्स। ये देखें, ये आपको मैं दिखाऊँ रूटिंग्स को, तो चलें आप छोड़ें फिलहाल। ये देखें, ये गमले के अंदर लेयर पे काई जम रही थी, जिसकी वजह से जो है वो ये प्लांट ने मर जाना था फ्रेंड्स अनक्रीप। इस वजह से हमने इसकी अच्छी तरह से, ये देखें मिट्टी कितनी सॉफ्ट है फ्रेंड्स, फटाफट उतर रही है इसकी जड़ों से, जिस तरह से मैं उतारना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स। तो यही मिट्टी आप गार्डन प्लांट की सॉइल में यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर से हटा लूँगा मिट्टी को, क्योंकि ऊपर ही मिट्टी इसकी ज़्यादा अच्छी नहीं है फ्रेंड्स, मीन्स के ऊपरी मिट्टी इसकी ख़राब हो गई है ज़रा। हल्की हल्की आप उतार लीजिए अगर इस तरह का मसला है। ये देखें फ्रेंड्स जड़ें इसकी मैं कोई नहीं काटने वाला फ्रेंड्स, इस तरह जड़ें इसकी वैसे हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारे आई थिंक गमले में इतनी पूरी आ जाएगा फ्रेंड्स इसका ये रूट बॉल। इस वजह से जड़ें आप खोल लीजिए थोड़ी थोड़ी सी जो कॉम्पैक्ट हुई हैं फ्रेंड्स, बाकी खैर है फ्रेंड्स। तो पहले इसको हम रिपोर्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं गमला आपके साथ शेयर करूँगा। ये देखें फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसको मैं एडजस्ट करके तो फिर आपके साथ शेयर कर दूँ। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं अभी तक ये प्लांट की जड़ें भी, ये देखें अभी मैंने ढकी नहीं है, मैं कहा चलिए आपके साथ शेयर करता हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए इसकी मिट्टी को हम डालना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, इसमें सॉइल में फ्रेंड्स जड़ें आ जाती हैं कोई इक्का दुक्का तो कोई मसले वाली बात नहीं है फ्रेंड्स, ये इस तरह की जड़ें आ जाती हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, यह भी मिट्टी यही है फ्रेंड्स, लेकिन मसला ये है कि ये मिट्टी थोड़ी गीली है फ्रेंड्स। तो गीली मिट्टी को जब हम सूखी मिट्टी पर डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स सूख जाएगी। तो हम यही करेंगे फ्रेंड्स, इसको मिक्स कर लीजिए दोनों सॉइल्स को फ्रेंड्स, दोनों नर्सरी सॉइल्स हैं फ्रेंड्स और दोनों ही जो है वो बहुत अच्छी पॉटिंग मिक्स है फ्रेंड्स। तो इसको अब आप भर भर के डाल दीजिए फ्रेंड्स, जैसे भी आपने डाला। ये देखें फ्रेंड्स आई थिंक ये कवर हो चुका है फ्रेंड्स, आई थिंक मैं देखता हूँ फ्रेंड्स इसको, क्योंकि जड़ों का बहुत ज्यादा भूचाल आया हुआ फ्रेंड्स। इसको थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये देखिए आप, आई थिंक ये कवर हो चुका है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मिट्टी इसकी बहुत ज्यादा ठंडी हुई हुई है फ्रेंड्स, तो वेल फ्रेंड्स यही था फ्रेंड्स ये इसकी रिपोर्टिंग का काम फ्रेंड्स, जो कि बहुत लेंथी था, जो कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। तो अभी जो है आई थिंक इसमें पानी डाल के पता चलेगा, इस तरह मुझे समझ नहीं लग रही कि ये प्लांट हो गया कि नहीं हुआ फ्रेंड्स। ये देखें फ्रेंड्स,
ये देखे फ्रेंड्स इस तरह से। अब इसमें पानी डाल के मैं चेक करूंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पानी आपने बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना इसमें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पानी डला हुआ है फ्रेंड्स। पानी डालेंगे इसमें मज़ीद, इसमें मज़ीद पानी डालेंगे तो इस प्लांट की जो है वो जड़ें गल जाएंगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जड़ें तो हर पौधे की गलती हैं, कोई मसले वाली बात नहीं होती जड़ें गलने की। वेल फ्रेंड्स मेरे हाथ अकड़ गए हैं फ्रेंड्स ठंड की वजह से, ये देखें। वेल ये देखें प्लांटिंग भी तो हमें करनी पड़ती है प्लांटेशन फ्रेंड्स। अगर हमें शौक हो फ्रेंड्स तो कोई मसला नहीं होता फ्रेंड्स गार्डनिंग में। हाँ अगर शौक हमें ना हो तो फिर बड़ा मसला होता फ्रेंड्स गार्डनिंग में, क्योंकि फिर हम गार्डनिंग कर ही नहीं सकते फ्रेंड्स जब शौक ना हो हमें। जब शौक होगा हमें तभी हम गार्डनिंग कर सकेंगे। बस यही दो मैंने निकाल दी। तो फ्रेंड्स ये था मेरी छोटी सी वीडियो इस खूबसूरत से पौधे के लिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस खूबसूरत पौधे के लिए छोटी सी वीडियो तो कोई नहीं फ्रेंड्स, इस पौधे के लिए कोई बहुत बड़ी वीडियो होनी चाहिए, लेकिन इसकी तमाम केयर मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें ये मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा बुशी ग्रो करेगा फ्रेंड्स, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला फ्रेंड्स। मैं चाह रहा हूँ कि इसको भी डाल दिया जाए अंदर, क्योंकि सॉइल मेरे पास पड़ी हुई है फ्रेंड्स, इसीलिए कोई कंजूसी वाली बात नहीं है इस तरह से फ्रेंड्स। अच्छी तरह से आपने कर देना कवर। अब हम इसमें दैट पानी डालेंगे और फिर दैट सेट करेंगे फ्रेंड्स। ये कटिंग है इसकी फ्रेंड्स, वो भी आपको दिखाता हूँ। इसको आप ऐसे रख दीजिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये देखें कितनी खूबसूरत ये लुक दे रहा है। तो चलिए अब इसको पानी डालते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने स्प्रिंकलर में पानी भर लिया। अब मैं इसमें हल्का हल्का वाटरिंग करूँगा फ्रेंड्स, हल्की हल्की सी, बिल्कुल मामूली सी, इस तरह से फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये कवर हो चुका है फ्रेंड्स, काफ़ी कवर किया है फ्रेंड्स इसने। और ये देखें इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स ये प्लांट मुझे इस गमले में। अब इसको पानी आपने डालना ही नहीं है फ्रेंड्स, ये देखें इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप कि कितनी आसानी से हमने ये प्लांट लगा लिया। अब मैं थोड़ी थोड़ी मिट्टी मज़ीद डाल देता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक पौधा मेरे पास ये भी है, ये भी खुद का ही बनाया हुआ है, ये देखें इसको मैंने निकाल लिया इसमें से। तो अब इसको भी लगाऊंगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक्चुअल में मेरा काम यानी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि मैं फटाफट पौधे बना भी लेता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपसे नहीं बनते तो आप मिट्टी के अंदर इसकी कटिंग दबा सकते हैं और इस तरह से जड़ें पा के यहाँ से काट के आप लगा सकते हैं फ्रेंड्स, ये प्लांट बहुत ही जल्दी लग जाएगा। वेल फ्रेंड्स अब बिना टाइम किए मैं लग जाता हूँ अपने काम पर और आपको एक चीज़ दिखानी है फ्रेंड्स, जो कि ये देखें फ्रेंड्स। अगर इस गमले में आप गार्डनिंग करते हैं फ्रेंड्स तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, यानी इसमें मैंने पौधा लगाया भी है फ्रेंड्स, इसका वो जो मदर प्लांट लगाया था वो इसमें ही था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसको आप जो है आप यूज़ करेंगे तो मैं इसकी वैसी रिपोर्टिंग करूँगा, ज़्यादा आपको दिखाया वो फिर वीडियो से ज़्यादा लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल स्मार्ट गार्डन पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स बाय।